हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जा रहे हैं महिंद्रा के सर्विस सेंटर। मेरी गाड़ी के 10,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए क्या है कि 10,000 वाली सर्विस करवाने के लिए जाना है। तो अभी गाड़ी में प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि थोड़ा स्पीकर में चू 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 की आवाज़ आ रही थी। वो तो पता नहीं अब सॉफ्टवेयर में इश्यू होगा या गाड़ी में कुछ इश्यू था, कि वो तो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, तो इसलिए उससे तो कुछ छेड़छाड़ करनी है नहीं। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैंने डैश कैम लगाया उसकी वजह से हो रहा होगा। मैंने लगभग 1000 किलोमीटर की ट्रिप कर ली थी, उसको साथ में लग के उसको करेक्ट करके मैंने उतनी ट्रिप कर ली थी, उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके बाद में घर पे आने के बाद में प्रॉब्लम हुआ, तो पता नहीं क्या इश्यू था, वो तो पता अभी तक चला है नहीं। तो वो देखते हैं, वो पुनीत भाई ने बोला है कि जो महिंद्रा सर्विस सेंटर वाले हैं, तो उन्होंने बोला है कि एक बार हम चेक कर लेंगे क्या इश्यू है क्या नहीं है। तो आज भाई दिखाने भी जा रहे हैं और सर्विस भी हो जाएगी। आज वेनसडे, तो मैंने कल महिंद्रा सर्विस सेंटर में फ़ोन करके बोला था कि मुझे अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी, 10,000 किलोमीटर पूरे हो गए। तो मैडम थे, उन्होंने सर्विस रिक्वेस्ट बुक कर ली। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने मुझे उन्होंने बोला, कंफर्म भी किया कि 9:30 बजे आप आओगे करके। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा अगर। तो रात को मैं क्या लेट सोया, थोड़ा मेरा काम था, इसके बाद थोड़ा वीडियो एडिटिंग वगैरह था, तो उसकी वजह से क्या है कि लेट हो गया। लगभग मैं 3 बजे सोया और मेरी नींद खुली सीधी 9:30 बजे। पहले तो मैंने क्या सर्विस को पोस्टपोन करने के बारे में सोचा कि मैं सर्विस को ही पोस्टपोन कर दूँ, कल करवाऊंगा। तो मैंने कहा कि गाड़ी भी गंदी हो रखी है तो साफ सुफ भी हो जाएगी करके, मैंने कहा ठीक है मैडम को एक बार कंफर्म कर लो। तो मैडम को मैंने कॉल किया, तो मैडम ने मेरे को बोला कि मैंने कहा आप कितने बजे आ, मैंने कहा मैडम नींद अभी मेरी खुली है और 9:30 बजे का टाइम था, अब नहीं आ सकता, तो कुछ और अपॉइंटमेंट मिलेगा, कुछ और टाइम का एडजस्टमेंट हो पाएगा। तो उन्होंने बोला आप कब आ पाओगे, मैंने कहा 11:30 बजे। तो ठीक है, आप एक बार अपने जो सर्विस एडवाइज़र उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, तो आ जाइए आप करके। मैंने कहा ठीक है। तो पुनीत भाई को मैंने थोड़ी देर में फ़ोन किया, तो बोला कि ठीक है आप 11:30 बजे आ जाइए, कोई इश्यू नहीं है। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि आपको एक दिन गाड़ी रखनी पड़ेगी। रखनी इसलिए पड़ेगी, मैंने कहा क्यों रखनी पड़ेगी, कुछ है क्या? तो बोले कि एक सॉफ्टवेयर आया है अपडेट, तो उसकी वजह से आपको रखनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है चलो एक दिन रख देते हैं। अभी मेरी गाड़ी के हुए हैं लगभग 10,059 किलोमीटर, 10,060 किलोमीटर हुए हैं लगभग, समझ लीजिए। तो अभी तक तो मेरे को कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी इश्यू नहीं। छोटे मोटे माइनर इश्यू हुए होंगे तो वो ठीक है, वो तो हर गाड़ी में होते हैं। कोई भी गाड़ी 100% परफेक्ट नहीं होती है, तो हो सकता है कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। गाड़ी मेरे को माइलेज भी अच्छा दे रही है, पिकअप भी अच्छा है, एवरीथिंग, यानी उसमें आप बोल सकते हैं कि एकदम वैल्यू फॉर मनी है। जो मैंने गाड़ी पे लगभग 27-28 लाख रुपए खर्चे हैं, तो वर्थ इट है मेरे हिसाब से। तो अब दूसरों का क्या सोचना वो मैं नहीं कह सकता हूँ, किसी को सूट करती हो किसी को नहीं करती हो, लेकिन मेरे लिए तो परफेक्ट है। तो गाड़ी मेरे को माइलेज भी लगभग कभी 14, यानी मैं रेस ड्राइविंग करता हूँ तो लगभग मेरे को 13 की देती है। और अगर मैं एवरेज निकालना चाह लिया, मैंने ऐसा सोच लिया कि मुझे एवरेज निकालनी है, तो 20 का भी दे देगी, 22-24 भी दिया हुआ मुझे। और वैसे नॉर्मली आप ऑन ऑन एवरेज जानने जाओगे तो 15 से 16 तक का तो दे ही रही है, तो इसलिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चीज में। इश्यू नहीं आया वो, okay। अभी ये देखो ये इश्यू आया था, okay। ये बता देता हूँ, अचानक से पता नहीं क्या हुआ था जी। मैं क्या 1000 किलोमीटर लेके गया गाड़ी, okay। असल में मैंने क्या ये लगवाया था डैश कैम, मैंने 1000 किलोमीटर तक वो चलाया, yes। तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, फिर घर पे आके गाड़ी मैंने रख दी। इसके बाद में क्या इश्यू हुआ, मैं अपने लड़के को रात को घुमाने ले गया, तो मैंने थोड़ा सॉन्ग वगैरह बजाया ना, तो मेरे को लगा गाड़ी में कुछ इश्यू है करके स्पीकर में। पहले मुझे लगा यहाँ वाले में इश्यू है, मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम है,
फिर मैंने सोचा, फिर मैंने सब एक एक करके सब चेक किए स्पीकर, तो उसमें इश्यू आ रहा था। तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं घर पे, मैंने कहा कुछ होगा करके। तो मैंने ये निकाल भी पहले, यानी कब से निकाल ही दिया था मैंने ये। मैंने कहा ये नहीं, मेरे को क्या है वो पूरा हर बार स्क्रीन चलता रहता है तो वो इरिटेट करता है, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया था। मैंने कहा कुछ वायरिंग में हुआ होगा या कुछ होगा, तो मैंने देख लूंगा करके। तो फिर अगले दिन ऑटोमेटिकली वो चीज सही हो गई, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, तो यूज भी किया था उससे पहले ही निकाल दिया था, बाद में कुछ पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा सॉफ्टवेयर रिलेटेड होगा कुछ या कुछ भी हो गया होगा, तो पता नहीं क्या हुआ था। मेरे हिसाब से एक बार चेक कर ले रहा हूं, और अभी गाड़ी से सर्विस मोड ऑन कर देगा तो आपके ऐप से आप कोई कमांड नहीं पाओगे सर्विस में इसके लिए। वो एक ही टाइम हुआ ना, दोबारा कभी नहीं हुआ सर। वो उसी दिन हुआ था, यानी आप मैंने कित ये देखो ऐसे सर, ये मुझे व्हाट्सएप कर देना सर। इसलिए तो मैंने उज्जवल भाई को फोन किया था। उज्जवल भाई का तुरंत ही कॉल। हाँ, मैंने कहा कि क्या इश्यू है करके, तो मैं क्या वो करवाता नहीं, मैंने कुछ यानी वो नहीं एक्स्ट्रा करवाया नहीं है कि हाँ कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आया। एक बार देख लेता हूँ मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई होगा, क्योंकि उसमें ना अभी बहुत सारे अपडेशन है अपने। अरे इसका एप्पल कारप्ले कब आएगा आगे? एप्पल कारप्ले अच्छे में लॉन्च हुआ था, बट अभी इसके डेटा में कुछ डम है, तो अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ उसके लिए। देखो अपने में इतना अपडेशन है, एक तो सिल्वर बॉक्स फर्सिंग डेटा पैकेज हुआ है, टेल लैम्प अभी अपना आया नहीं है, पेंडिंग है वो, अपना पीछे के दोनों टेल लैम्प अपने अपडेशन होंगे वो सिक्वेंशियल डीप या सिक्वेंशियल लैम्प। अच्छा, बाकी दूसरा एक डेटा इश्यू फ्लशिंग है। और गाड़ी में कुछ यहाँ पे चू चू, गाड़ी जब चलती है ना तो चू चू के वो चरमराहट की आवाज आती है ना। ओके, कभी ऐसी आती है और कभी उस डोर में थोड़ी आवाज आती है ये वाला, राइट। हाँ, एक दिन तो क्या है कि जो मैं स्टेयरिंग घुमा रहा था ना तो उसमें आवाज आ रही थी। मैंने कहा स्टेयरिंग का इश्यू तो मेजर है। ओके, तो मैं आपको कॉल करने वाला था, फिर मैंने कहा एक बार मैं चेक कर लूं, मैंने कहा बार बार उनको डिस्टर्ब नहीं करो। तो मैंने पूरा यानी मैंने चेक किया, तो ये क्या ये जो मैटिंग है ना जी, तो वो स्टेयरिंग के नीचे डंडे को टच कर रहा था। ओके, हाँ, तो फिर मैंने कहा ये चूचू क्योंकि स्टेयरिंग में आवाज यानी बहुत बड़ा नहीं मेजर हो सकता। हाँ, तो मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, बाकी तो गाड़ी एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं है, कोई मेजर इश्यू नहीं है। लेकिन एक चीज है, भले इसका 450 Nm का टॉर्क है वो फील नहीं होता है, ऐसा क्यों? यानी कैसा फील नहीं हो रहा है? मतलब जैसे मेरे ऑफ रोड में जाते हो। मैं जैसे एक्सयूवी चला रहा था वो 500, वो तो इससे कितनी वो थी, फिर भी यानी उसमें थोड़ा वो दम लगता था, इसमें वो ये क्या है, इसको बहुत इजी टू ड्राइव बना दिया इन्होंने। स्मॉल कार, हाँ, कार जैसी बना दिया है। वो मेरा जो भाई का लड़का आया ना ऑस्ट्रेलिया में रहता, वो बोले ये तो खाली दिखने के लिए बड़ी, बाकी एकदम सिंपल है ये चलाने में, बहुत इजी है ये। अच्छा सर, 500 में क्या था, टफ स्टीयरिंग बेयरिंग थोड़ा, उससे थोड़ा हार्ड था ये, एकदम ये तो एकदम लाइट है, एकदम लाइट है। तो आपको सर मजा आता है कि नहीं आता? नहीं, मेरे को तो मजा आता है चलाने में, बहुत कंफर्टेबल बहुत है यानी। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जो नॉइज सर बोला आपने उस तरफ जो, हाँ, यहाँ पे कहीं आता है चू चू करके रोड पे आता है या प्लेन नहीं, में थोड़ा सा ज्यादा ऊपर थोड़ा रोड होगा तो चिक चिक ऐसा करके आएगा कोई, अप्रॉक्स स्पीड नॉर्मल में या? हाँ, नॉर्मल में ही आता है वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। और गाड़ी की जो अपनी 10,000 की जो सेकंड सर्विस थी वो सर्विस पूरी हो चुकी है। जैसा कि सबको मालूम है कि इस सर्विस में ऑयल चेंज करते हैं, इसके बाद में एसी फिल्टर चेंज किया, इसके बाद में ऑयल फिल्टर चेंज किया और जो डीएफ होता है उसका टॉपअप किया। लगभग 10,060 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली थी, उसमें गाड़ी का 55% मेरा डीएफ खत्म हो गया था और लगभग 45% जैसा बचा था। अगर आप भी XUV700 ऑन करते हैं तो आपकी गाड़ी पर 10,000 किलोमीटर कितना डीएफ कंज्यूम करती है जरा आप मेरे को बताइएगा। और मेरी गाड़ी ने तो लगभग आपको मैंने बताया कि 55% कंज्यूम किया। तो गाड़ी सर्विस होके तो मेरे पास में आ गई और मुझे लगभग ये गाड़ी मिली 5 बजे, मुझे गाड़ी मिली है अभी। जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जो मेरी सेकंड सर्विस है 10,000 वाली वो 5,000 में हो जाएगी, लगभग 5,000 उसका खर्चा होगा, तो उसी के आसपास में मेरा 4860 रुपए खर्चा हुआ है। बहुत सारे अपडेट्स भी हुए और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें एक अपडेट और आया है और वो मोस्ट अवेटेड था। रीजन ये है कि एक बार आया था, इसके बाद में वापस गया था, यानी उसको वापस खींच लिया था और इसके बाद में अभी वापस आया है।
ये मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला, जब मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि अभी इसमें एप्पल वायरलेस एप्पल कारप्ले भी आ गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि तो गाड़ी में तो अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गाड़ी के मेरा जो स्पीकर है उसमें कुछ आवाज आ रही थी और दूसरे दिन सही भी हो गया था। तो उन्होंने चारों दरवाजे ओपन किए, मतलब चारों दरवाजे के वो जो क्या बोलते हैं गत्ते खोले, और इसके बाद में पूरे चेक किए कि वायरिंग में कुछ मिस्टेक है या नहीं है। तो पूरे चेक किए तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कुछ मिस्टेक नहीं है। वो कैसे हुआ वो किसी को पता नहीं चला अभी तक, और क्यों है वो पता चला नहीं, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से सब चेक किए तो उनको कोई प्रॉब्लम लगा नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब उसको ज़्यादा छेड़छाड़ करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब बढ़िया सी चीज़ें हो गई। तो बाकी गाड़ी में तो अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे भी कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं गाड़ी में, एवरेज भी मेरा अच्छा दे रही थी गाड़ी और बढ़िया स्मूथ चल रही थी। बाकी तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे मैंने उनको बोला था कि थोड़े दरवाजा वगैरह देख लेना, क्योंकि थोड़ी जो ड्राइवर साइड का डोर है उसमें थोड़ी नॉइस वगैरह आ रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं वो हम स्पीकर के साथ साथ में चेक कर लेंगे। तो वो भी उन्होंने चेक कर लिया और अभी कोई आवाज़ वगैरह जो रेटलिंग नॉइस वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, अच्छे से सब वर्क कर रहा है, सब चीज़ें अच्छे से चल रही है। इसके बाद में मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि मेरे जो गाड़ी का है पूरा, यानी बायोडाटा खोल के रखा था उन्होंने कि इस गाड़ी में क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं। तो उन अपडेट्स में एक चीज़ और थी, तो जब मैंने गाड़ी खरीदी इसके बाद में दो दिन बाद मैंने उज्ज्वल भाई को फ़ोन किया था कि इसमें सिक्वेंशियल इंडिकेटर नहीं आते क्या। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अभी ऐसा है कि महिंद्रा ने वो चीज़ बंद कर दी है। अभी जो नया लॉट आ रहा, पहले तो क्या है कि बीच में जो गाड़ी आ रही थी उसमें कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रहे थे वो लोग, और इसके बाद में उन्होंने वो चीज़ बंद ही कर दी, सिक्वेंशियल इंडिकेटर देना बंद कर दिया था, ऐसा मेरे को उज्ज्वल भाई ने अपडेट दिया था। इसके बाद में ऐसा भी उसमें बीच में हो रहा था कि दो की जगह एक ही की दे रहे थे। तो इसके बाद में वो भी एक एग्रीमेंट साइन करवा रहे थे कि थोड़े दिनों बाद आपको कुछ मंथ के बाद में दूसरी की मिलेगी। मुझे तो अपनी दो की एक साथ मिल गई थी। वहाँ पे मैंने एक अपडेट में देखा कि जो मेरी गाड़ी में सिक्वेंशियल इंडिकेटर भी लगने वाले, अब कब लगने वाले वो मुझे मालूम नहीं, कितना टाइम लगेगा, हो सकता है एक दो चार महीने में लग जाए, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा और जो पुनीत भाई हमारे सर्विस एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने भी बताया कि भाई आपकी गाड़ी में लगेंगे, आपकी जो पीछे टेल लैंप है वो अपग्रेड होने वाले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी मेरे लिए अच्छी चीज़ है। तो बाकी तो अपनी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है नहीं, गाड़ी अच्छे से चल रही है, बाकी ठीक है जो भी है। अब लोगों को कैसे महिंद्रा या महिंद्रा के सर्विस सेंटर से जो बैड एक्सपीरियंस होता है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी बात करते हो तो मुझे आज तक कभी भी महिंद्रा से बैड एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। महिंद्रा की सर्विस बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे बड़ौदा में MM वोरा जो वर्कशॉप है उसकी बात करो, बाकी तो मुझे मालूम नहीं कि कौन क्या करता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो अच्छी सर्विस है, और उन्होंने मुझे यहाँ तक बोला कि अगर गाड़ी में आपको कुछ भी रत्ती भर भी प्रॉब्लम लगती है आप यहाँ पे आइए, जो भी प्रॉब्लम होगी वो तुरंत शॉर्ट आउट कर देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और थोड़ी दो दिन बाद फीडबैक भी लेते हैं ये लोग, फिर पूछते हैं कि आपकी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम है महिंद्रा से आपको फ़ोन आएगा, ये पहले आप हमें बताइएगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है हम इमीडिएट उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, इसके बाद में आपको जो करना है कर सकते हो। तो इसी तरह से सर्विस बढ़िया होनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय श्री राम।